चला 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 गोली, मैं मरूंगा तो बुलेट से ही मरूंगा, बीपी या शुगर से नहीं। भैया इन दिनों एक बुड्ढे ने देश में तहलका मचा रखा है, तो हमने सोचा कि हमारे ऊपर मुसीबत आए इसके पहले थोड़ी दो ज्ञान की बातें उनको दे दे, कुछ समझाइश दे दे तो शायद कुछ सुधर जाए। अरे भैया आवा इधर आवा, अब बैठा। क्या हाल है भाई साहब? मैं एकदम ठीक हूँ। ये क्या कर रहे हो भाई? क्या मतलब राम राम की उम्र हो गई और क्या मतलब क्या हाल बना रखा है? इतना बूढ़ा गए हो। भक्ति चैनल देखने का समय आ गया है और उस जमाने में हम इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, आपको ठीक नहीं लग रहा है? अरे बेटा इतना बूढ़ा हो गए हो कहाँ से? बूढ़ा होगा आपका बाप रामरा बाप और का। अरे भैया देखा, तुम्हारी डेफिनेशन क्या है पहले ये बताओ बूढ़ा की। बूढ़ा की कोई डेफिनेशन होती नहीं है, हमको देख लीजिए 70 वर्ष के हो रहे हैं, लेकिन ऐसी ऐसी फिल्मों में काम कर रहे हैं जहाँ पर तरह तरह की हरकतें करनी पड़ती हैं, गाना गाना पड़ता है, नाचना पड़ता है, एक्शन करना पड़ता है, रोमांस करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ना पड़ता है। आपसे मिलने के पहले हम आपकी जब नकल करते थे हमको बहुत जूते पड़े भैया। कहाँ किया आपने नकल? अरे अब आप वो जो करते हो ना ऐसा ऐसा कुछ तो भी तो वैसे हम किए तो हमको बहुत जूते पड़े। तो थोड़ा हमका रात की बात बताओ, ये इसको स्टाइल कहते क्या, ये हरा पीला नीला पहनने? ये जो बनाने वाले थे हमारे जो निर्देशक थे उन्होंने कहा कि इस तरह के कपड़े आपको पहनने हैं, हमने उसका विरोध नहीं किया, हमने कहा चलो पहन लेते हैं। और क्योंकि ये किरदार जो हम खेल रहे हैं इस फिल्म में वो है थोड़ा सा रंगीला, थोड़ा सा हल्के मिजाज का है, खुश मिजाज है, था एक एक्स गैंगस्टर, अब पेरिस चला गया है, वहां पर अपना धंधा कर रहा है और वापस मुंबई आया है किन्हीं परिस्थितियों के साथ जूझने के लिए। तो डायरेक्टर की ये आशा थी कि क्यों ना उसको हम एक रंगीन कपड़ों में देखा जाए, तो इसलिए कपड़े पहने। वैसे एक बात बताएं राज की कि आपको समझाइश देने का तो बहाना था मोहल्ले वालों के सामने, लेकिन एक राज की बात आपसे ये जानना है कि भाई रंगीन बनने के गुण क्या है, कैसे बन जाए हम रंगीन? अब ये तो बताना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मन के अंदर आपको ये समझना होगा कि आप अभी भी जवान हैं और जिन चीजों पे आप दिलचस्पी रखते हैं वो जवान चीजें होनी चाहिए और वर्जिश करती रहनी चाहिए आपको, ताकि आपका शरीर जो है वो सुडौल बना रहे। भोजन वोजन के मामले में थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा आपको, लेकिन मन के अंदर ये ठान लेना चाहिए कि वृद्धावस्था जो है वो एक उम्र है, वो एक नंबर है, मतलब हमारा मन तो अभी भी जवान, मतलब हार्ली डेविडसन पे किक मारने की वर्जिश करना पड़ेगी। ये तो आया क्योंकि हार्ली डेविडसन बड़ी भयानक एक मशीन है और उसको चलाने में बड़ा कष्ट हुआ मुझे, लेकिन किसी तरह निभ गई वो बात। तो वो जो आपने डांस वांस किए हैं वो कैसे किए? मतलब अब एक बार संगीत बच गया तो शरीर भी चल पड़ा, पता नहीं कैसे चल पड़ा लेकिन बहरहाल चल पड़ा। संगीत जो है उसकी बात की है तो मैं आपको बताऊं कि ये हमने स्वयं गाया है इसमें, और कुछ हमारी पुरानी फिल्मों के गीत थे जिनको हमने उनकी लय बदल करके उनको गाया है, और वो एक मेडली के रूप में एक सीन में आता है। फिर जो हमारी फिल्म का बुढ़ा होगा तेरा बाप का जो थीम सॉन्ग है, थोड़ी थोड़ी सीना जोड़ी, थोड़ी थोड़ी माथा पोड़ी, थोड़ा एक्शन थोड़ा जैक्शन, बुढ़ा होगा तेरा बाप, ये जो है ये एक अलग स्टाइल में बनाई गई, तो उसको हमने गाया। और एक बहुत ही मधुर गीत है जो कि हेमा जी और हमारे बीच का गीत है, एक थीम सॉन्ग है हमारा, बहुत मेलोडियस, बहुत ही मधुर, और बड़े सालों के बाद मुझे लगा कि इस तरह का एक गाना आया है। हमारे आजकल के गानों में एक मधुरता, एक तरह की कविता जो होती थी वो नहीं रही, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और हमने उसको बनाया। और मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि जितनी भी नौजवान पीढ़ी है उनको भी ये गाना अच्छा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर ये एक अभिलाषा है कि इस तरह का संगीत बने और वो उसके
प्रशंसा कर लाऊं। आज भी जवान पीढ़ी अंताक्षरी में गाते तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याण जी के ही गाती है। जी जी जी, पुराने गीतों को सब याद रखते हैं, आजकल के गीतों के शब्द शायद समझ में नहीं आते। या जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि अंताक्षरी जब कहते हैं लोग तो पुराने गीत ही याद आते हैं। वैसे हमने जो देखा अभी तक कि अगर कोई सिंगर सामने आ जाता है तो वो गाना गाता है, तो आप तो इस फिल्म में सिंगर भी है? नहीं, सिंगर नहीं है, गवा दिया है गाना उन्होंने। वो लाइन तो गुनगुना, अब अभी अभी गाया ना आपके सामने, थोड़ी थोड़ी सी नजोरी, थोड़ी थोड़ी माता पौड़ी, थोड़ा एक्शन थोड़ा जक्शन, बुड्ढा होगा तेरा बाप। ए बुड्ढे, अबे बुड्ढा होगा तेरा बाप। थोड़े सारे नियम तोड़े, थोड़े थोड़े सर्दी फोड़े, थोड़े बनके जीवन दौड़े, बुड्ढा होगा तेरा बाप। क्या बात है। तो एक बात बताइए भैया कि ये सारी फिल्म करते हुए कुछ तो रोचक अनुभव आपको हुए होंगे कि जिससे आपने हम सबको इंस्पायर किया है। कहानी के दौरान जो कुछ भी करने को कहा गया उसको किया हमने। मुझे लगा कि जिस तरह का ये किरदार है, वो बहुत सी जो हमारी पुरानी फिल्में में हम काम करते थे, जिस तरह के अवसर हमें मिलते थे उसमें, वो इस फिल्म में भी मिले हमको। हालांकि उतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं, लेकिन हाँ, एक रोमांचक किस्म का किरदार है। मतलब इसमें आपके साथ हेमा जी हैं, जो आपके बागबान में हमने देखा उनको, रवीना भी है जो अक्स में हमने देखा, तो क्या मतलब बदलाव पाते आपके साथ? आप एक अलग किरदार में जब आ जाते हैं, अक्स का किरदार अलग था, ये किरदार अलग है, क्या केमिस्ट्री में बदलाव पाते हैं? हेमा जी और हमारी जो है जोड़ी रही है, वो बहुत अच्छी जमी है, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की हमने एक साथ। वो अपने साथ एक डिग्निटी, एक ग्रेस लाती है, जो कि जरूरी था इस किरदार के लिए। रवीना अपने आप में उनका एक अपना स्थान बना हुआ है, और उनकी भी कहानी इस कहानी में बहुत लाजमी है, और अच्छी कलाकार हैं वो, और मैं ऐसा मानता हूँ कि इनको बिल्कुल सही ढंग से चुना गया है इस फिल्म में काम करने। बाकी सारी चीजें जो हैं वो तो जब कहानी आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्यों उनको चुना गया और क्या उनका महत्व था इस कहानी में। मतलब कुल मिलाकर आपके जैसे हम कपड़े वपड़े पहन ले तो हमारा काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, पक्का। हाँ हाँ, वैसे भी आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपका काम अभी नहीं हो रहा है? नहीं, जूते पढ़कर आए हैं ना, हम डांस कर रहे थे आपके जैसा, तो हम तो जूते पढ़कर आए हैं। क्यों क्यों पढ़े? अरे का, सब बोले बुढ़ाऊ कहा कर रहे थे भैया। अच्छा, हाँ। उनका कहा का था कि बढ़ाओ बढ़ाओ का तो बूढ़ा होगा तेरा बाप। चला, हम कह दो भैया बूढ़ा होगा तेरा बाप। ठीक है भैया, तो हम जवान होके जाते हैं, जूता पड़ा तो हमारे पास भेज दीजिएगा, जूते हम रख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चला 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 गोली, मैं मरूंगा तो बुलेट से ही मरूंगा, बीपी या शुगर से नहीं। बुड्ढा होगा तेरा बाप। थोड़ा एक्शन थोड़ा जैक्शन, बुड्ढा होगा तेरा बाप।